इंग्लिश सीलियंस की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अगली सीरीज में गुण संधि पढ़ेंगे, तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का जो दूसरा भाग है वो है गुण संधि। स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? गुण संधि है। साथियों गुण संधि के अंदर क्या करते हैं हम? गुण संधि के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपके असमान, या दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं विजातीय वर्ण। खासकर वर्ण में भी अपन स्वर संधि में कौन सी चीज पढ़ते हैं? स्वर। तो विजातीय स्वरों का मेल करते हैं यहां पे। गुण संधि में हम क्या करेंगे? जो विजातीय स्वर है उनका मेल करते हैं। विजातीय स्वर का अभिप्राय क्या हुआ? जैसा कि हम पहले भी अपन लिख चुके हैं स्वर अ आ, ये क्या है? सजातीय स्वर है। इसी प्रकार से ई ई, ये भी सजातीय स्वर है। उ और उ, ये भी सजातीय स्वर है। उसके बाद में बचता अपना ऋषि। तो ये साथियों अगर इनकी बात करें ग्रुप में अ या आ, जो अपन पहले वाले वीडियो में दीर्घ संधि के अंदर पढ़ चुके हैं, सजातीय स्वर का मतलब है अ और आ बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो ये सजातीय स्वर है। और दीर्घ संधि में सजातीय स्वरों का ही मिलन होता है। जैसे दीर्घ संधि में अपन ने ई और ई को आपस में मिलाया, उ और उ को आपस में मिलाया था। तो जब अपन ने दीर्घ संधि में अ या आ को मिला तो इसका जो दीर्घ रूप था वो बना। ई और ई को मिलाया तो दीर्घ रूप ई बना, उ और उ को मिलाया तो दीर्घ रूप उ बना। ठीक वैसे ही आज अपन क्या करने वाले? असमान स्वरों का मेल करेंगे। असमान स्वर का किस किस का करेंगे? अ या आ को अपन ई और बड़े ई से मिलाएंगे, अ या आ को अपन उ या बड़े उ से मिलाएंगे, अ या आ को अपन ऋषि से मिलाएंगे। तो अपने पास कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? तीन अवस्थाओं का निर्माण होगा। ठीक है, सबसे पहली अवस्था कौन सी होगी? अ या आ, ये जो परिवार है सजातीय वर्ण अ या आ, इसको वापस अ या आ से नहीं मिला के अपन ने इसके अगले जो दूसरा परिवार है ई और ई, इसके साथ में इसका मिलान किया। अ या आ का मिलान किससे करना है? ई या ई से। तो बनेगा क्या? अ ई, इकट्ठा बोलते हैं तो अ ई आई, अ ई आई, आई जैसी ध्वनि मिलती है तो इसके अंदर जो उसका छोटा रूप है आई का यानी ए, तो बनेगा क्या? ए का निर्माण होगा। ठीक है, तो गुण संधि के अंदर पहली अवस्था में जहां पर अपने अ या ई को मिलाया तो अ या ई के मिलने से क्या बना? ए बना। ए भी कौन सा? जो उसका छोटा रूप है वो वाला ए। अब इसे कुछ महत्वपूर्ण आपके उदाहरण देखते हैं अपन। तो साथियों गुण संधि है, उदाहरण की बात करें तो जैसे एक उदाहरण है आपका महाधन इंद्र। तो महाधन इंद्र को ध्यान से देखना, जैसा अपन संधि में सीख चुके हैं कि संधि में हम क्या करते हैं, जो अंतिम वर्ण है यानी आपके पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस के ठीक इस तरफ है वो कौन सा स्वर है? ह में किसकी ध्वनि है? आ की ध्वनि है। और सामने जो स्वर दिख जाता है वो मन, तो क्या मेल हो रहा है? आ का ई से मिलन हो रहा है। ये इस तरफ हमारे आ है और इधर हमारे ई है, तो आ और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे। ठीक है, अब ए बनेंगे तो किस पर ई मात्रा लगेगी? पहले स्वर्ण, जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसके ऊपर। इन्हें वो हा किस में बदल गया? हे में बदल गया। तो म तो पहले ही था, अब हा हो गया हे में। किसके सहयोग से? ई और अ के मिलने से। ई और अ के मिलने से क्या बन गया? ए बन गया। पीछे क्या बचा? आधा न, आधा द और पूरा र। तो शब्द का निर्माण हुआ महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। आ और ई ए। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द है, जैसे आपके भगवान शिव का शब्द है महाधन ईश, क्या मिलेगा, क्या बनेगा? महेश। राका चांद को कहते हैं, धन ईश, क्या बनेगा? राकेश। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य उदाहरण है।
जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, यानी अ या आ के बाद में अगर कोई भी इनका मिलन होता है, अ या आ के बाद में ई या ई आ जाए, तो पहली अवस्था में किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण हो जाएगा। साथियों बात करते हैं दूसरी अवस्था की। जो दूसरी अवस्था है उसके अंदर भी अपने को शुरुआत में सबसे पहले आरंभ किससे करना है? अ या आ से ही करना है। इसकी संधि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें आपको प्रारंभ के अंदर जो तीन अवस्थाएं बनेगी, तीनों के अंदर अ या आ को पहले रखना है। पहली अवस्था में भी अपन ने अ या आ को पहले रखा, क्रम के अनुसार ई और ई बाद में आया तो अपन ने उसको मिला दिया, मिला बना क्या ए। ठीक वैसे ही दूसरी अवस्था के अंदर अ या आ के बाद क्या आ जाए? ऊ या बड़ा ऊ, ऊ या बड़ा ऊ आ जाए। अ या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? बन जाएगा आपके ओ। किसका निर्माण होगा साथियों? ओ का निर्माण हो जाएगा। अ या आ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो ओ का निर्माण हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे शब्द है महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो महाधन उत्सव से क्या बनेगा? ये देखिए म तो यथावत, अब संधि इसकी और इसकी हो रहे तो ह में किसकी ध्वनि है? आ की ध्वनि, हा है ना, आ की मात्रा है तो ह में आ की ध्वनि। इधर क्या है? ऊ है, ये रहा ऊ, प्लस के इधर आ है, प्लस के इधर ऊ है, आ और ऊ बनेगा क्या? ओ। किस पर लगेगी मात्रा? हा पर, यानी ऊ अ और ऊ मिलकर, यानी ये आ है ये ऊ है, आ और ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ। तो महा क्या हो गया? महो। ठीक है, पीछे क्या बचा? पीछे जो शब्द बचा है उसको अपन यथावत लिख देते हैं, आधा त श और व, क्या मिल गया अपने को? महोत्सव मिल गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे शब्द है आपका महा प्लस उदय, क्या बनेगा महा प्लस उदय का? वेरी सिंपल, महोदय। ठीक है, यही इसमें आ की ध्वनि है, इसमें ऊ, आ और ऊ, आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ। तो महा क्या बजाएगा? महो। पीछे क्या बचा? दय, तो हमें मिल गया महोदय। ठीक है, महा प्लस उदय महोदय, बहुत सिंपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसके अपन चर्चा कर सकते हैं। इसका जो तीसरा जो रूप है, जो तीसरी जो अवस्था इसमें बनेगी, पहले अपन ने कर ली अ या आ के बाद में ई या ई आ जाए तो क्या बन जाता है? ए। दूसरी अवस्था में अ या आ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनता है? ओ। तीसरी अवस्था में अ या आ के बाद में ऋषि आ जाए, ये है हमारी तीसरी अवस्था। इसमें क्या करेंगे हम? अ या आ के बाद क्या आ जाएगा? ऋषि आ जाए। अ या आ के बाद में अगर ऋषि आ जाए तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। अ पूरा रहेगा साथियों और र कैसा रहेगा? आधा। आधे र को अपन किस रूप में लिखते हैं सामान्य? आधे र को अपन सामान्य रूप से अर्ध ये रेफ ध्वनि के रूप में ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये भी एग्जाम में आजकल बहुत फेवरेट हो गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सामान्य शब्द आ गया, मान लीजिए, मान लो एक शब्द आ गया आपके शीत धन ऋतु। अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे त में किसकी ध्वनि है? अ की ध्वनि, कोई मात्रा दिख नहीं रही है लेकिन हलंत भी नहीं है, इसका मतलब इसमें अ की ध्वनि है, तो ये यहाँ पे अ है। आगे क्या आ रहा है? आगे ऋषि आ रहा है, तो अ भी है और ऋषि भी है, अ और ऋषि होने से क्या बनेगा? अर बनेगा। अब इस अर को बड़ा ध्यान से समझना है कि अर का निर्माण कैसे हो रहा है। अर का मतलब है, अब जो शब्द यहाँ है उसमें आपको अ की ध्वनि लगानी है, तो ये शी और त में अ की ध्वनि लगानी, यानी त में अ की ध्वनि पहले से ही है तो अपने कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। शीत हो गया, ठीक है, किसके मेल से? अ और ऋषि के मेल से। त में तो बनेगा अ और ऋषि बन जाएगा आधे र में, तो ऋषि बन गया आधा र। ठीक है, ये ऋषि से आधे र का निर्माण हुआ और त में क्या ध्वनि बन गई? अ की ध्वनि, तो त में अ, ये रहा त में अ, ऋषि आधे र के रूप में ऊपर चला जाएगा, पीछे क्या बचा? तू। तो शब्द का निर्माण क्या हो गया? शीतर तू। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से समझते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे एक शब्द आता आपके महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब महाधन ऋषि में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ह में किसकी ध्वनि है, आ की ध्वनि है, सामने क्या आ रहा है, री। ह में आ की ध्वनि और सामने री की मात्रा या री आपके खुद स्वतंत्र रूप से आया है, तो वही आपको नियम करना है। ऋषि और अ, और ऋषि के बाद में अगर ये स्थिति अर बनता है, अर का मतलब क्या है, अब इसमें आ की मात्रा खत्म हो जाएगी, इसमें अ लग जाएगा, तो महा की जगह क्या हो जाएगा, मह, कारण ये अ की ध्वनि ह में लगी है, पहले आ था, आ की जगह क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, महा से क्या हो गया, मह हो गया, पहली स्थिति जिसमें परिवर्तन हुआ है। और दूसरा ऋषि किसमें बदल जाएगा, आधे र में, ऋषि यहाँ पे आधे र में बदल गया। अब पीछे क्या बचा, सी बचा, कि सी को अपन ने उतार दिया, तो शब्द क्या मिला, महर्षि। तो महाधन ऋषि से महर्षि नहीं बनता है, महर्षि बनता है, ये आपके शब्द शुद्धि में सवाल आता है। अगला एक ऐसा कैसा एग्जाम्पल एक और देखते हैं साथियों, जो आपके सवाल आता है वो है वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, वर्षा में किसकी मात्रा है, वर्षा में आ की मात्रा है, व आधा र स आ, यानी श में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, यानी प्लस के ठीक बाद में, यानी पहले वर्ण की अंतिम मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा, अपना तो काम उसी से है, यहाँ पे आ की ध्वनि है, ये रहा आ, उसके बाद में ऋषि, ये रहा ऋषि, तो बिल्कुल संधि का योग है, गुण संधि बनेगी इसमें। अब पहले अवस्था में क्या करना पड़ेगा, आ को खत्म करना पड़ेगा, आ को खत्म यानी वर्षा है, तो वर्षा को क्या करेंगे अपन, वर्ष कर देंगे, यानी श में आ की मात्रा थी, अब अपन को क्या करना है, संधि के नियम से हिसाब से अ करना है, तो वर्षा से क्या हो गया, वर्ष हो गया, आ से क्या हो गया, अ हो गया, ये देखिए अ, और र तो अपने साथ लेके आया था, पहले देखिए वर्षा में पहले से ही र मौजूद है, यहाँ पे पहले से ही रह मौजूद, अभी तो अपने कोई काम करा ही नहीं, सिर्फ अ का काम करा है ना, इस वाले शब्द को ही अपन ने पूरा किया है, यानी वर्षा में किसकी मात्रा है, आ की है, अपन को क्या करना है, नियम के हिसाब से आ के बाद में ऋषि आ जाए तो अ कर दो, तो वर्षा को अपन ने वर्ष कर दिया, क्लियर है। अब इसका री का काम करना है, और री किस में चला जाएगा, आधे र में, तो ये आधा र ऋषि अब बना है, आधा र ऋषि वाला तो अब बना है, पीछे क्या बचा, तू शब्द बन गया, तू शब्द बचा, उसको अपन उतार दिया, शब्द क्या मिला, वर्षर्तु, वर्षर्तु। तो ये एक बार सवाल आया हुआ है संधि के अंदर कि वर्षर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लोगों ने क्या कर दिया, वर्ष प्लस ऋतु ऐसा कुछ बहुत सारे शब्द जोड़ दिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका निर्माण किससे हुआ है, वर्षा प्लस ऋतु से बना है आपका वर्षर्तु, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ऋण वाले शब्द जिसमें भी कुछ में पीछे वाले शब्दों में ऋण आता है उसके अंदर आपके इसका निर्माण होता है, ठीक है। जैसे अपन लिखते अभी जो मौसम है आपका ग्रीष्म धन ऋतु, क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु, क्या बन जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, तो बनेगा आपके ग्रीष्म, तो ग्रीष्म र इसके ऊपर लग जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है साथियों। तो ये थी आपके गुण संधि, बहुत बेसिक तरीके से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि गुण संधि के अंदर क्या होता है। तो गुण संधि के अंदर देखिए तीन चीज़ें निर्माण हुई, एक तो आपके ए बना, तो ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे ए, दूसरी अवस्था में आपके ओ बना, तो ये मैंने लिख दिया ओ, और तीसरी अवस्था में क्या बना है, अर, ये मैंने लिख दिया अर, या ए आर लिख देता हूँ, अर, ए ओ अर, ठीक है, ए ओ अर। अब इसको और भी अच्छे से ट्रिक से समझ सकते हैं कि इसमें देखिए अमूमन ऋषि वाले शब्द आते हैं, ऋषि और ऋतुओं के शब्द ज़्यादा आते हैं, ऋण ऋषि ऋतु, तो अमूमन ऋतुओं के नाम पहले आगे कुछ ना कुछ नाम होता है, उसके बाद ऋतु थे, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, तो हमेशा आगे कोई नाम होगा और पीछे ऋतु शब्द आएगा, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऋतुएँ होती है, तो अमूमन जितने भी आपके ऋतु वाले शब्द हैं उसमें क्या होती है, गुण संधि होती है, ऋतुओं में क्या होगी, गुण संधि होगी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। दूसरा आपके क्या चीज़ है, आपके ऋषि, कर्ण ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, जितने भी आपके ऋषि हैं उन ऋषियों में भी क्या होगा, ऋषियों में भी गुण होता है, ऋषियों में क्या होता है, गुण होता है, जो ओरिजिनल ऋषि है, वास्तविक ऋषि है, उनमें तो गुण होता है,
और जो फर्जी ऋषि है उनमें कोई गुण नहीं होता है, आते तो जेल की हवा खाते हैं। तो ये था साथियों गुण संधि का अपने परिचय, बहुत बेसिक तरीके से और बहुत सरल तरीके से। आप वीडियो को एक बार वापस देखें तो और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इतना ही आपका कॉन्सेप्ट रहता है, उसके अलावा अपन इससे बहुत ढंग ढंग के अच्छे अच्छे जो एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे अपन एक अलग से क्लास में आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, उसमें आपको संधि विच्छेद करना सिखाया जाएगा। जो भी आपके एग्ज़ाम में सवाल आ रखे हैं, बड़ी संस्थान जैसे RPSC है, UPSC है, या फिर जो आपके SSC के अंदर जो सवाल पढ़ते हैं, उस सारे आए हुए सवालों को अपन क्लास में चर्चा करेंगे और बहुत सरल तरीके से उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तभी संभव है जब आप इस चीज़ों को अच्छी प्रकार से अपने दिमाग में ध्यान में समायोजित कर लेंगे। खासकर जो ये एग्जाम्पल है, नियम याद नहीं रहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक जो की है इसका, बेसिक की ये आपको पता होना चाहिए। गुण संधि में क्या बनेगा, AOR, और चीज ऋतु और ऋषि वाले अधिकतर उदाहरण आपके इसी में ही आते हैं। ठीक है साथियों, तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप किस प्रकार की हिंदी का कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर अपन नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।